हाउ टू फिक्स नो सर्विस प्रॉब्लम इन वोडाफोन सिम। तो दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में भी नो सर्विस का प्रॉब्लम आपको शो कर रहा है, मुझे कुछ देर पहले यहाँ पे शो कर रहा था, मैंने फिक्स कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊँगा कि कैसे आप भी जो है ये नो सर्विस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन कर सकते। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो मेरा नेटवर्क आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों, ये प्रॉब्लम जब हम फेस करते हैं, हमें नेटवर्क वगैरह कुछ भी शो नहीं होता है और हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे हमें यहाँ पे नो सर्विस का ऑप्शन, यहाँ पे नो सर्विस लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे 4-5 सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, एक ना एक तो आपके मोबाइल में काम कर ही जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन दोस्तों, देखिए बेसिक सेटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल को क्या कीजिए, एक बार सेटिंग में जाके अपना मोबाइल का फ्लाइट मोड जो होता है उसे आप एक बार ऑन कर दीजिए। ठीक है, ऑन करने के बाद में दोस्तों इसे फिर से ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद में देखिएगा आपका नेटवर्क काम करता है कि नहीं, ये आपका पहला स्टेप है। यदि काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार मोबाइल को आप रिस्टार्ट कीजिएगा। रिस्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार अपना सिम को आप निकाल दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और सिम को फिर से आप स्लॉट को घुसा के आप स्विच ऑन कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हमारा स्लॉट में प्रॉब्लम होने की वजह से भी जो है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें यहाँ पर नो सर्विस दिखाई देता है, वो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि काम कर जाता है सही है, काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सेटिंग बताऊंगा आपको। सेटिंग में चले जाइए, डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, या फिर आपको सिम मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा या फिर नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, ये तीनों में कोई सा भी आपको जाना है। ठीक है, लोकेशन शायद अलग अलग हो सकता है क्योंकि हर मोबाइल में एक जैसा नहीं होता है, तो आपको सिम में जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर करियर पर आपको जाना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट जो होता है इसे आपको एक बार ऑफ़ कर देना है। यदि ऑन है तो इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका सर्चिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यदि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सर्च पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेटवर्क सर्च स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क सर्च होने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर मैनुअली नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा आप इसे ऑन कर दीजिए ऑटोमेटिकली को, और ये डायरेक्टली ऑन होकर आपका नेटवर्क भी यहाँ पर शो करने लगेगा। ये था तीसरा सॉल्यूशन, इससे आपका काम कर जाएगा, ये सबसे बेस्ट है। यदि इससे भी काम नहीं करता है तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। उसके बाद में दोस्तों आपको ढूंढना है मोर सेटिंग या फिर एडिशनल सेटिंग, और यहाँ पे दोस्तों आपको ढूंढना है बैकअप एंड रीसेट। उसके बाद में आपको रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाके आप देख सकते हो सबसे ऊपर रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इस पर क्लिक करके आपका एंटायर मोबाइल का जितना भी सेटिंग्स है उसे आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये ढूंढ लेना है आपके मोबाइल के अंदर में रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, और ढूंढ के जो है आपको अपना सिस्टम को रीसेट करना है। ठीक है, सिस्टम का सिर्फ सेटिंग ही रीसेट होगा, तो ये आपका नेटवर्क का भी सेटिंग रीसेट होगा, आपका मोबाइल का डाटा का सारा कुछ का रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। और दोस्तों यदि फिर भी नहीं होता है तब तो दोस्तों आपका मोबाइल का हार्डवेयर का प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हार्डवेयर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कंपनी में कॉल करना होगा, आपका टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और उन्हें बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।